यूपी के पीलीभीत जनपद की कलीनगर तहसील के मांधो टांडा थाना क्षेत्र में एक युवक खेत में काम करते वक्त अवैध विद्युत लाइन की चपेट में आ गया, जिसपे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना की सूचना मिलने पर जनप्रतिनिधि व पुलिस मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। कई घंटे जद्दोजहद के बाद समझा बुझा कर शव को पीएम के लिए भेजा और मृतक के परिवारजनों को मंडी राजस्व विभाग की ओर से अधिक मुआवजा दिलाने तथा विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते गैस एजेंसी पर किया गया कनेक्शन जो मौत का कारण बना के खिलाफ मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया। तब उमड़ी भीड़ अपने अपने घरों पर गई। पूरनपुर के जनकापुर गांव के रहने वाला राम गोपाल पुत्र मोहन लाल उम्र 32 साल अपने साड़ू ओम प्रकाश पुत्र सेवाराम निवासी थाना मांधो टांड जरा बुजुर्ग के घर आया हुआ था। खेत में धान की रोपाई करते वक्त अचानक नीचे लटकती विद्युत लाइन की चपेट में आ गया, जिससे करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कुछ पर ग्रामीणों ने गैस एजेंसी के गेट पर शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनके खेत के ऊपर से जरा इंडियन गैस एजेंसी के मालिक अरविंद पांडे और सतीश पांडे ने एक अवैध विद्युत लाइन डालकर बिजली का कनेक्शन करा रखा है, जिसको हटाए जाने को लेकर कई बार विभाग से बात की गई, लेकिन बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई। थाना प्रभारी मांधो टांडा जितेंद्र यादव ने बताया कि प्रधान द्वारा सूचना दिए जाने पर मौके पर जाकर किसी तरह आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया जा सका है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखा गया है कि विद्युत विभाग की लापरवाही से लाइनें नीची हैं, जहां तहां दुर्घटना आम दुर्घटना होती जा रही है, जिससे दर्जनों लोग इस करंट की चपेट में आकर मौत को गले लगा चुके हैं। आज भी ये रुड़िया में आपने देखा कि एक युवक खेत में धान लगाने आया और अवैध रूप से डाली गई लाइन से उसकी मौत हो गई। क्या करेंगे आप, विपक्ष में हैं, क्या कर सकते हैं? ये दोनों दोषी हैं, दोनों खिलाफ लिखा पढ़त हो और ज्यादा से ज्यादा सख्ती करी जाए और मृतक को मुआवजा अच्छा जिसमें उसके परिवार चल जाए ऐसा मुआवजा दिलाओ। किस किस विभाग से मुआवजा मिल सकता? हम तो अभी जो यहाँ कबूल करेंगे जी, ये तो अभी कबूल करेंगे यहाँ मुआवजा के लिए। अभी हम देख रहे हैं जो लोग क्या कर रहे हैं, ना देख रहे हैं तो हम लोग करेंगे यहाँ कुछ ना कुछ। ना आप ना देखें, आप अपना करें, आप तो कर, हम का इनकी वार्ता चल रही है, निपटन तो दो पहले भाई, परिवार को मदद मिले यही सबसे अच्छी बात है। सबसे पहली मदद मिले उसका परिवार तो अनाथ हो गया जी। जी दुखद घटना है, ये दुखद घटना है। जवान बेटा मरा है, उसके छोटे छोटे बच्चा है, उसको अच्छी से अच्छी मुआवजा दे जाए। लड़की शादी के लिए तैयार खड़ी घर पे। मेरा नाम श्याम है। कहाँ रहते? जनकापुर। जनकापुर क्या हुआ, पूरी घटना बताओ। पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। मेरा भाई राम गोपाल है जी, वो उसने अपने साड़ू का खेत यहाँ ठेके पे ले रखा है, करीबन एक साल से ले रखा है जी। तो इस साल ये धान गड़ाने आया हुआ है, तो यहाँ इनकी गैस एजेंसी से और इनके गांव तक कनेक्शन था जरा से, तो यहाँ धान लगा रहे थे तो उस समय केबल काफी नीचे थी, करीबन 2 फुट 3 फुट के ऊपर थी। हाँ, 2 फुट के ऊपर थी केबल, तो उस समय लपकने से ही उनके गर्दन में जो तार टच हो गया, टच होने के कारण उनकी काफी देर तक तड़पते रहे, उसके बाद उनकी मौत हो गई। सूचना कैसे मिली आपको? सूचना हमें मिली यहाँ गांव से, बताया गया, हमारे पास फोन किया, हमारे सामने लगा, हम इधर ही थे। हाँ, जो गांव वालों ने भाइयों ने फोन किया, जो इनकी इन्हीं लोगों को गिन रखा था उन्हें दिहाड़ी पे, तो इन्होंने फोन किया कि हाँ भाई यहाँ आपका भाई जो है बिजली से मौत हो गई। तुम मौके थे? हाँ हम मौके। क्या नाम है आपका? लीलकंठ। लीलकंठ से बताओ पूरी घटना। हम यहाँ पे थे तभी उनके करंट लगाए। तुमने क्या किया? हमने लकड़ी फरुआ मारा उठाकर, छुटा नहीं, तब हम भागकर घर पर गए, चिल्लाते रहे, लंगूसी लाया उससे तार नहीं खींचा, तो फिर वो पिलास लेकर आए एक जने घर से, तब उन्होंने तार काटा तब छुटे। जब छुटा तो कुछ सांस नहीं? नहीं, ये तार पहले से भी पड़ा था, झाग डाल दिया था। अभी तक कोई आया? मौके मौत हो गई। अभी तक सर कोई नहीं आया, काफी देर से यहाँ हल्ला मच रहा है, सब काफी दुनिया हुई है, पुलिस भी इकट्ठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तहरीर दे दी? हाँ वो तो दे दी। पुलिस का क्या कहना है इस बारे में? पुलिस का कहना है जय कि अपना कार्रवाई कर चुके हैं सब, और
आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि यहीं पे राजपली रहेगी, हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे उसके दो दो तीन तीन साल के, वो कहाँ जाएंगे, दर दर भटकेंगे। जाम लगाने के इरादे नहीं, अगर हमें यहीं पे कहने का मतलब जो हम चाहते वो हो गया, फैसला मुआवजा मिल गया तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो हम आगे जाम लगाएंगे, रोड जाम कर देंगे, मर जाएंगे सबके सब। विभाग का कोई अधिकारी आया? वो आया होगा, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं, उसमें करंट लग गया, उसके कम हो गया। नहीं, ये करंट किन वजहों से लगा है? अब ये तार खाली पड़ा, लाइन वहाँ से आई, अब है जो पेड़ों को पर है, बिजली खंभों पर नहीं है, इसका दोषी कौन है? दोषी पर बिजली विभाग ही है। अब बिजली विभाग दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो गैस एजेंसी की लापरवाही है, तो अपने आप में क्या है? दूसरी बात ये है, अब ये खेती करते ही साइज खत्म हुआ ना, तो ये दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए पुलिस शासन द्वारा मिलेगी, बाकी बिजली विभाग पे भी कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर माधो टंडा भी है, नायब साहब भी है, कितनी कार्रवाई हो, कितनी अधिक से अधिक इमदाद दिला सकते हैं इस परिवार को, इस पीड़ित परिवार को कितनी इमदाद दिला सकते हैं? 5 लाख रुपए इनको दुर्घटना बीमा तो मिलेगा, पारिवारिक लाभ में 30,000 रुपए तो मिल सकता, बाकी बिजली विभाग अपना क्या देता है, अब उस पर कार्रवाई कराने के लिए लोगों को पूरा आश्वासन दिया जा रहा है, बिजली विभाग पर कार्रवाई हो, और इनकी लापरवाही से जो जाने गई है और ये घटनाएं जो आए दिन हो रही है कहीं कहीं पर, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर भी ये सख्ती से कदम उठाया जाएगी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो रिया सलीमपुर में केरल से एक युवक की मौत हुई है, ये क्या घटना है, इसमें क्या हो सकता है? ये अरविंद पांडे की गैस एजेंसी है, ये गांव से नजायज तरीके से लाइन लाई गई है, लाइन बहुत नीची थी, इसकी वजह से आज ये किसान की दर्दनाक मौत हुई है, और इसमें तहरीर मिल गई है, मुकदमा लिखा जा रहा है, पंचायत नामक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, ये लाइन भी तो अवैध है, पेड़ों से लाइन भी तो अवैध है, ये गैस एजेंसी वाले की और बिजली विभाग की लगवा है। युवक को पंचनामे के लिए भेजा जा रहा है? हाँ, पंचनामे भी भेजा जा रहा है, और जो भी मुआवजा है, किसान दुर्घटना बीमा है, बिजली विभाग से मुआवजा, वो सब दिलवाया जाए, अधिक से अधिक जी अधिक से अधिक मदद की जाए।